और सभी बुजुर्ग इस मंच पर आसीन मेरी आदरणीय पंच कमेटी गंगा व यमुना के समान मेरी मातृशक्ति व सत्य अनुसैया जैसी मेरी माता बहनाएं इन सभी को कुमारी प्रीति राजपूत लखनपुर की तरफ से प्यार भरी नवमी नमस्कार राम राम साहब। अरे राम राम तो ले लियो बाबा, लेकिन चाचा जी वो कहते हैं ना कि संगीत वो शक्ति है, भैयालाल चाचा जी कि संगीत वो शक्ति है और हर स्वर में बसे राम, रागी कर सुनाए राग नित तो रोगी को मिलता है आराम। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने अपनी कलम को उठाया है, छोड़ दिया है कुछ ऐसे शब्दों को, पैदा कर दिया है कुछ ऐसे शब्दों को जो कि हमारे समाज में कुल बोल बाल परचस्व अहमियत लिए हुए है। आइएगा वो शब्द कौन से गौर करेंगे कैसे भैया। कौन जगत में एक है सही प्रेम से बोलेंगे, दोनों हाथों को खड़ा करके दिव्या को पवित्र करते हुए बोले बजरंग बली के। चाचा जी एक भक्त और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रवेश हो जाता है, जैसे ही हो जाता है तो बजरंग बली से कहने लगता है कि प्रभु आपने इस सृष्टि पर इतना बड़ा नाम किया है जो कि आपने एक छोटी सी बात के ऊपर बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। चाचा जी आज कार्य के बारे में पूछ रहे हनुमान जी महाराज, गौर करेंगे कैसे। कहा अरे तेरे जैसा और तेरे जैसो कोई हुआ न हो गहमती वाला, और एक ही जनासी और बात के पीछे, एक ही जनासी और बात के पीछे सीना चीर दिखा डाला। बात के
देना कि कोई किसी का कुछ नहीं करता। भैया जी कि कोई किसी का और कुछ नहीं करता, और ये दुनिया तो आनी जानी है, और ये तो महफिल ही बतावेगी कि कौन में कितना। चाचा जी मेरा जिक्र वही है जिसे मैं छोड़ करके गई थी। आइधर में माँ गंधर्व के कहने पर वो राजा दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर के पास में आ जाता है। अर्थ बताया है कि धर्म सुवन के पास में बेटा, कि धर्म सुवन के और पास में बेटा, और अंत सुत्ति गया है आई, चरणन शीश नवाए गिरा ऐसे। सो सुनो धर्म मेरी बात, सो सुनो धर्म मेरी बात, और त्यारे मेरे युद्ध की रह गई एक ही बात। सो कैसे पार पड़ेगी रण में, सो कैसे पार और पड़ेगी रण में, मेरी एक समझ नहीं। हाँ चाचा जी, जब इतने वचनों को महाराज युधिष्ठिर सुनते हैं तो आसन से खड़े हो जाते हैं, और जवाब क्या कर रहे हैं गौर करेंगे किसे भैया, अरे धर्म सुबनियो कहे भूख से कहो तो जन्म में आयो समझा खुद को।
कहा क्या कि काही इकलो और समझा खुद को, तेरा संग पिता है माता है और माँ बाप ने के सच्चे बेटा से खोप विदाता। सो मात को हाथ शीश पे, सो मात को हाथ शीश पे, जब तक क्यों हल्के बचन उचारे और मेरे टीस जिया में। दुर्योधन मैं तेरे लिए शीलवंता के बारे में बताऊंगा, राजनीति के बारे में बताऊंगा। चाचा जी क्या बता रहे हैं गौर करेंगे कैसे। हाँ अरे शीलवंती ना गोड़ी को छोड़, सुन दुर्योधन, अरे शीलवंती ना गोड़ी को छोड़ और चाल लाख मुसीबत आ जा अरे ना जाने
और ना जाने ना जाने है ना जाने संचालक साहब अरे ना जाने और धरती मैया किसी के सतु से डटी रही है और या कलयुग में मोहन प्यार तेरी अरे या कलयुग में बंसी वाले तेरी और श्यामा कैया go
बहुत जोरदार तालियां।